आप सभी विद्यार्थियों का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बाड़मेर में स्वागत है। डिप्लोमा इन सेकंड ईयर इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट EE 201 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का आज सब्जेक्ट इस वीडियो लेक्चर सीरीज के साथ में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैं रोशनलाल जैन, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, सेशन 2021 में यह सब्जेक्ट सेकंड ईयर में आपके साथ में साल भर लेके चलूंगा। आप सभी लोग जुड़े रहें और इस वीडियो को और आगे के वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखते रहें। सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, IC, एम्पलीफायर, इन सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज की प्रॉपर्टीज कैसे काम करते हैं, इन सभी के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट आपके इस करिकुलम में शामिल किया गया है। इसको हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के करिकुलम की बात करें तो सबसे पहले यूनिट आती है सेमीकंडक्टर डायोड को डिस्कस करें डिटेल में, उससे पहले हमें कुछ चीजें जानना जरूरी है। जब आप लोगों ने एडमिशन लिया था फर्स्ट ईयर में आपके फिजिक्स सब्जेक्ट में, इस सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट भी यूनिट 10 में दे रखा है, जिसमें सेमीकंडक्टर फिजिक्स के कुछ बेसिक्स के बारे में बताया गया था, जिससे आप सेकंड ईयर में अच्छे से पढ़ सकते हो। इन सभी बेसिक्स को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें डायोड पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। उन बेसिक्स को हमने कुछ यहाँ पर नोट कर रखा है। उन बेसिक्स में सबसे पहला इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मीन्स जो विद्युत धारा पदार्थ के अंदर बहती है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में बात करेंगे हम बैंड थ्योरी के बारे में कि बैंड थ्योरी क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, कंडक्शन बैंड क्या है, वैलेंस बैंड क्या होता है और उन दोनों के बीच में जो होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो क्या है, इनके बारे में जानेंगे। और इस बैंड थ्योरी के बेसिस पे हम पदार्थों का ठोसों का वर्गीकरण करेंगे कि ठोस तीन प्रकार की कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं, कुचालक, चालक और अर्धचालक। और फिर हम देखेंगे कि हमारा मेन कंसर्न आ जाएगा अर्धचालकों पर, सेमीकंडक्टर्स पे जो भी आगे दो प्रकार के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ये एक्सट्रिंसिक और बाह्य अर्धचालक भी आगे दो प्रकार के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। जब हम पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर की स्टडी कर लेंगे उसके बाद उन्हीं की नॉलेज से ही हम इस पीएन जंक्शन डायोड को बना सकते हैं, उसकी हम डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो हम यहाँ तक पहुंचे उससे पहले इस बैंड थ्योरी और कंडक्शन के बारे में समझ लेते हैं। बैंड थ्योरी के बारे में, कंडक्शन बैंड क्या है, वैलेंस बैंड क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है। हमें पता है मुक्त जो एटम्स होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स लिए होते हैं। कंसीडर करें एक जैसे सिलिकॉन है जो आवर्त सारणी के फोर्थ ग्रुप में होता है, जिसका यदि कॉन्फिगरेशन देखें तो जिसका परमाणु क्रमांक 14 है और उसका यदि अभिविन्यास देखें तो 1s2 2s2 3 और 2p6 3s2 और 3p2। तो ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। यदि हम इनको इनकी एनर्जी को इन एटम्स की इंटर एटॉमिक डिस्टेंस डी के बेसिस पे यदि ड्रॉ करें तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे इन परमाणुओं को क्रिस्टल बनाने के लिए एक दूसरे के पास में लाया जाता है तो इनके जो डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स है ये विभक्त होने लगती है, स्प्लिट होने लगती है। ये आपका हो गया 3p और ये 3s। फिर अगेन इस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को भी और डिक्रीज करें तो ये भी आपस में विभक्त होने लगते हैं। जैसे जैसे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को रिड्यूस किया जाता है तो एनर्जी स्टेट से वो स्प्लिट होने लगती है और क्रिस्टल बनाने के लिए इन एटम्स को एक दूसरे के जब और निकट लाया जाता है तो यह सारे एनर्जी लेवल्स एक दूसरे के इतने निकट आ जाते हैं कि ये कंटिन्यूस लगते हैं और यह बैंड का एक निर्माण कर लेते हैं। और इसी तरीके से 3s ग्रुप में भी
भी एक बैंड का निर्माण हो जाता है। तो बाह्य स्तर पर ये जो बैंड के फॉर्मेशन है, यही बैंड थ्योरी है, जिसमें जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा होती है वो कंडक्शन बैंड का निर्माण करते हैं, जिसको शॉर्ट में हमने सीडी लिखा है। और जो इलेक्ट्रॉन्स, जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में काम में आते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और वो वैलेंस बैंड का निर्माण करते हैं। और इन दोनों बैंड के बीच में जो ऊर्जा स्तर, जो गैप रहता है, या कोई इलेक्ट्रॉन लाइक नहीं कर सकता, स्टे नहीं कर सकता, उनको फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। सरलता से इस बैंड थ्योरी को हमने यहाँ पर तीनों प्रकार के मटेरियल्स के लिए बना रखा है। तो हमने सबसे पहले देखे है कुचालक, जिसको इंसुलेटर के लिए यही बैंड थ्योरी, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। अब इनके बीच का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो जनरली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है। अब हमें पता है कि किसी भी पदार्थ में जो धारा बहती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण बहती है, और कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कुचालकों में कंडक्शन बैंड पूरा एम्प्टी होता है, खाली होता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड के अंदर होते हैं। अब यदि हमें इस वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन के लिए काम में लेंगे, यदि इनमें धारा प्रवाह करवाना है, कुचालकों में धारा प्रवाह करवाना है, तो मीन्स वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में जाना पड़ेगा, जिसके लिए मिनिमम 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिएगी। बट ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर असंख्य, लेट्स से 10^29 इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और यदि इतनी एनर्जी दे भी दी तो ये रहने वाले यहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को ये सफिशियंट एनर्जी मिल नहीं पाएगी, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन कभी भी यहाँ नहीं चले नहीं जा पाएंगे, अतः यहाँ पर धारा प्रवाह किसी भी सूरत में नहीं हो पाता, इसलिए इनको कुचालक कहते हैं, दी जाता बैड कंडक्टर्स। इनके एग्जाम्पल देखे तो बेकेलाइट है, लकड़ी है, अब्रक है, चीनी मिट्टी है, और कार्बन का एक स्वरूप है डायमंड। अब देखते हैं सेकेंड बैंड थ्योरी को हमने यहाँ पर लगाया अर्धचालक के ऊपर। तो यहाँ देखे कि फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो कुचालकों की तुलना में काफी कम हो गया है, करीब करीब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, और ये बहुत कम ऊर्जा गिनी जाती है। यदि हम वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ का यहाँ से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन फ्री होते जाएंगे, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन फ्री होके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, और ये कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन के थ्रू हम इन अर्धचालकों में धारा प्रवाह करवा सकते हैं। और यदि इसके साथ साथ यदि यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए हीट के थ्रू, तापमान इनको गर्म करके तापमान यदि बढ़ाया जाए तो और कोवेलेंट बॉन्ड टूट के और इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, जिससे इसमें कुचालकों से तो ज्यादा करंट फ्लो हो सकती है। इसके एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम, और यह आवर्त सारणी के चौथे ग्रुप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं चालक कंडक्टर्स। कंडक्टर्स का यदि बैंड डायग्राम देखें, स्ट्रक्चर देखें, तो हम पाते हैं कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए हैं, मींस जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वही क्या कहते हैं कंडक्शन बैंड में जो ओवरलैपिंग है। ये हमने डायग्राम बनाया 300 केल्विन मींस रूम टेम्परेचर पे बनाया है। तो यहाँ पर प्रचुर मात्रा में, अबंडेंट संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, और यदि इसके सिरों पे यदि विभवांतर पर लगा दिया जाए तो इसके अंदर करंट का फ्लो आसानी से हो सकता है। इसमें कोई भी फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं होता है, यदि थ्योरेटिकली बात करें तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जा सकता है। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए। तो चालकों में इलेक्ट्रॉन्स के फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण धारा प्रवाह आसानी से हो जाता है। तो बैंड
बैंड स्ट्रक्चर के आधार पर हमने देखा कि पूंछा पोकर क्या है, चाल अर्धचालकों का बैंड स्ट्रक्चर देखा जिसमें बोरोनियन एनर्जी गैप करीब करीब 1 इलेक्ट्रॉन के आसपास है, जिसमें सिलिकॉन का 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम का 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है और ये चालकों का है। तो इन सबसे हमने अर्धचालकों का क्या प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में जानने की कोशिश की है। यदि 0 डिग्री पे और जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाया है तो इनका एनर्जी गैप और रिड्यूस हो सकता है। जब अर्धचालक अपनी शुद्ध अवस्था में होते हैं तो उनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है, नेज अर्धचालक। इनकी चालकता बहुत कम होती है। इनकी चालकता को बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें एक तरीका इम्पोर्टेंट है डोपिंग और टेम्परेचर बढ़ा के। यदि इनको टेम्परेचर बढ़ा तो इनमें करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, और इनकी और चालकता को बढ़ाना है तो इसमें डोपिंग करना पड़ेगा। और सारणी के तीसरे और पांचवें ग्रुप के तत्वों को सेमीकंडक्टर के साथ में ऐड किया जाए, प्योर इम्प्योरिटी मिलाई जाए तो इनकी चालकता बढ़ती है। उससे प्राप्त सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बाह्य सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। तो अभी तक हमने पहला वर्गीकरण देखा चालक, कुचालक और अर्धचालका, और अर्धचालकों का आगे वर्गीकरण है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी दो प्रकार के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में इस एन टाइप और पी टाइप का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे, और इन पी टाइप और एन टाइप से पीएन जंक्शन डायोड का कैसे निर्माण होता है उसके बारे में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।